अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। इस चैनल पर मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस, किडनी डिसीज, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट और DIY रेमेडीज, कुकिंग वीडियोस, माय रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ माय एक्सपीरियंस विद किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के पहले आपको सारे डॉक्टर्स से मिलना पड़ता है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट और जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट और जो आपका ऑपरेशन करने वाले होते हैं, यूरोलॉजिस्ट एंड नेक्स्ट एनेस्थीसिया डॉक्टर। फूड ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा डर गई थी, प्रोसीजर के वक्त क्या होगा, कैसे होगा और जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा वो कैसे होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी थी। जो एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया के वक्त जो दर्द होगा या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे, क्योंकि मेरा कोई भी आज तक किसी तरह का भी ऑपरेशन नहीं हुआ था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं एनेस्थीसिया के टाइम दर्द होगा या नहीं मैंने डॉक्टर से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, आराम से बेफिक्र होकर रहिए, कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन के वक्त आपको बेहोश किया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आफ्टर 5 आवर्स आपको होश आ जाएगा, ऐसे ही कहा था डॉक्टर ने। मैं टोटल 8 मंथ्स डायलिसिस में रही थी और उसके बाद सारे पेपर्स जो कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर किडनी देने के लिए रेडी हो गए थे और सारे पेपर्स रेडी हो गए थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डेट दे दिया था। और डॉक्टर ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के 2 डेज़ पहले आपको एडमिट होना पड़ेगा। मेरा ऑपरेशन ट्यूसडे को करने के लिए कहा था और मैं संडे के दिन ही एडमिट हो गई थी। और डॉक्टर ने कहा कि लास्ट डायलिसिस होता है वो किडनी ट्रांसप्लांट के 1 दिन पहले किया जाता है, जो कि मेरा लास्ट डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट के 1 दिन पहले किया गया था, वो सुबह के 6 बजे थे, 6 AM को। और जो डोनर्स होते हैं उनको एक किडनी ट्रांसप्लांट के 1 दिन पहले एडमिट होने के लिए कहा था डॉक्टर ने, जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने 1 दिन पहले आकर एडमिट ले लिया था। उन्होंने, डॉक्टर्स ने दोनों को, जो किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट होता है और जो डोनर्स होते हैं, दोनों को एक ही रूम में रखा जाता है, और जो कि सेमी स्पेशल वार्ड होता है, अलग अलग वार्ड्स में नहीं रखा जाता। 2 दिन जब किडनी ट्रांसप्लांट के पहले 2 दिन एडमिट किया जाता है, तब एक ही वार्ड में रखा जाता है उन्हें। ऑपरेशन के बाद जो किडनी पेशेंट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें जो अलग से किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट होता है, वो रूम बहुत स्पेशल अलग होता है, जो कि अंदर किसी को भी अलाउड नहीं होता, वही रखा जाता है। डोनर्स को अलग से रूम में रखा जाता है और जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, जो किडनी रेसिपिएंट होते हैं, उनको अलग से किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में रखा जाता है, जो कि बहुत ही सेपरेट होता है, जो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं वहाँ पे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है और मैं सबके जैसे लाइफ जी सकती हूँ, मेरी बीमारी ख़त्म होने वाली है और मैं नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं कि ऑपरेशन के टाइम क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं था मुझे। जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का टाइम नज़दीक आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा घबराने लगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे मैं। और मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ। जिस दिन मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला था, उस दिन मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, क्योंकि अगर आपका कोई भी ऑपरेशन होने वाला होता है तो आपका ब्लैडर खाली होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। मुझे पानी भी नहीं दिया गया, क्योंकि पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकती, अगर टैबलेट लेना होगा तो ही थोड़ा सा पानी के साथ टैबलेट दिया जाता है, उतना ही। आप ऐसे ही पानी नहीं पी सकते ऑपरेशन से पहले। तो उसके बाद ऑपरेशन के लिए रेडी किया गया मुझे। जो बेटरडीन होता है, रेड कलर का होता है, वो मेरी बॉडी को इस तरह से सब वो लगा दिया, क्योंकि ऑपरेशन होने वाला होता है तो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो आपकी बॉडी को स्पंज से लगा दिया जाता है। और उसके बाद उनके कपड़े दिए गए मुझे पहनने के लिए और मैंने पहन लिया, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था। और उसके बाद मुझे OT ले जाने के लिए मेरे लिए स्ट्रेचर्स लेके आए।
सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में डोनर्स को लिया जाता है, जो कि मेरे ग्रैंडफादर थे, उनको मुझसे पहले ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उनका ऑपरेशन स्टार्ट भी हो गया था और उसके बाद नेक्स्ट मुझे लेके गए आके। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना डर गई थी कि ऑपरेशन थिएटर से बहुत ज़्यादा डर होने लगा था। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई तो मुझे बहुत रोना आया कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी मुझे पता नहीं था। और मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत समझाया और उसके बाद मैं ओटी चली गई नेक्स्ट, और वहाँ के जो नर्सेस थे उन्होंने भी बहुत समझाया कि कुछ नहीं होगा, डरने की बात ही नहीं है, आराम से जो एनेस्थेशिया दिया जाता है उससे हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने मुझे फ्रेंडली ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स अभी तक आए नहीं थे। ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आने के पहले जो अंदर नर्सेस होते हैं और जो एनेस्थेशिया के डॉक्टर होते हैं उन्होंने सब कुछ मेरा मुझे रेडी कर दिया था। जो यहाँ पे नेकलाइन के पास एक कैथेटर डाला जाता है और इस हाथ पे मुझे फिस्तूला था इसलिए मुझे इस हाथ पे मुझे कुछ नहीं किया गया। जो यहाँ पे नेकलाइन के पास डाला था कैथेटर उसी तरह हाथ में भी डाला गया और जो बैक साइड होता है वहाँ पर एनेस्थेशिया लगा दिया मुझे। हाँ, और सब कुछ रेडी था, सब कुछ। जो नर्सेस होते हैं मुझसे बहुत फ्रेंडली बात करने लगे थे, मुझे रिलैक्स करने लगे थे, पॉजिटिविटी दे रहे थे उन्होंने मुझे कि नेगेटिव कुछ भी सोचने नहीं दे रहे थे। मैं आराम से सो रही थी वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर में आपको इंजेक्शन जो होता है वो आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको होश बिल्कुल कम्प्लीटली चला जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। ऐसे ही 15-20 मिनट्स के बाद डॉक्टर्स आए। उसके बाद मुझे जो इंजेक्शन देना स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सोने लगी, मैं कब बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और करीबन एक घंटा था मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए थे और 6 बजे तक तो ऑपरेशन मेरा कम्प्लीट हुआ था, 6 बजे थी। और सबसे पहले मुझे कहा था कि नर्सेस ने कहा था कि ऑपरेशन होने के बाद गले में कुछ डाला जाएगा, डाल के आपका नेम पुकारा जाएगा तब भी आपको होश आ जाएगा, ऐसे ही कहा था उन्होंने। वैसे ही सेम मेरा ऑपरेशन होने के बाद मुझे थोड़ा सा होश आने लगा और मैं थोड़ी सी आँखें खोलने लगी थी लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली आँख नहीं खोल पा रही थी मैं, क्योंकि मैं बेहोश थी अभी तक, वो इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा असर था मुझे। हाँ, और जो मेरे डॉक्टर थे न्यूरोलॉजिस्ट उनकी आवाज़ आ रही थी तो मैंने उनको पुकार के पूछा कि डॉक्टर ऑपरेशन हो गया क्या। उन्होंने कहा कि हाँ ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, टेंशन मतलब सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा तो मैं बहुत खुश हो गई थी अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी मुझे आँख नहीं खोल पा रही थी मैं। फिर ओटी से उठाकर स्ट्रेचर में सुला दिया उन्होंने। मुझे कुछ भी कम्प्लीटली नहीं दिखाई दिया मुझे कुछ भी। हाँ, और उसके बाद तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेके गए मुझे, जो मेरे फैमिली वाले सब लोग वहीं खड़े थे और मेरी फैमिली वालों ने सब लोग मुझे पुकारा, लेकिन मेरी आंख थोड़ा सा खोलकर मेरी फैमिली वालों को देखा लेकिन कम्प्लीटली नहीं देख पाई मैं, क्योंकि जो बेहोशी का असर था वो बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली नहीं गया था मुझे वो। फिर ऐसे ही मुझे फिर से नींद आ गई मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला मुझे। और जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं वो लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जो मैं भी घबरा गई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। क्योंकि जो लोग ऑपरेशन करवाने वाले हैं वो सब लोग ये वीडियो देख कर प्लीज़ टेंशन मत ले, आराम से ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि टेंशन लेने से तो बीपी हाई हो जाता है, अगर बीपी हाई हो गया तो आप ऑपरेशन नहीं करवा सकते आप। तो प्लीज़ टेंशन लेने की बात ही नहीं है, प्लीज़ आराम से ऑपरेशन करवा सकते हैं प्लीज़। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद टोटल 10 डेज का पैकेज था मेरा। ऑपरेशन के बाद 10 दिन रखा गया था मुझे वहाँ पर, और जो 10 दिनों में हुआ था वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबको शेयर कीजिए ये वीडियो, जो कि ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं उन सबको शेयर कीजिए। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी, जो 10 डेज़ में मेरे साथ क्या क्या हुआ था ट्रांसप्लांट के बाद।
इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।